पंचकुला से कर रहे हैं, जहां सीएम मनोहर लाल आज यहां पहुंचने वाले हैं। सीएम मनोहर लाल पंचकुला में एक कार्यक्रम में पहुंचेंगे। आपको बता दें कि सुबह 10:30 पर वो पहुंचेंगे पंचकुला, और इसके अलावा अगर उनके कार्यक्रमों की बात की जाए तो यहां पर सीएम मनोहर लाल महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर आयोजित इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आज सीएम मनोहर लाल पंचकुला दौरे पर हैं और खास कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं, तो इससे जुड़ी क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है अभी? देखिए, सीएए को लेकर के जन समर्थन और जन जागृति को लेकर के ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके तहत अलग अलग जगह पर जो नेता है उनकी तरफ से इन कार्यक्रमों में शिरकत की जा रही है और जनता से सीधा संपर्क साधा जा रहा है। उसी कड़ी में पंचकुला के अंदर भी इसी प्रकार से जो कार्यक्रम है वो रखा गया है, और सीएए को लेकर के जिस प्रकार से विवाद गहराया हुआ है उसको लेकर के ये जनसंपर्क किया जा रहा है लोगों के साथ, कि विपक्ष की तरफ से भ्रम फैलाया जा रहा है, ये कहना है सत्ता पक्ष का, और इसको लेकर के अलग अलग जगह पर इसी प्रकार से जन जागरण जी, यानी कि इस भ्रम को पूरी तरह से जी खारिज करेंगे। सीएम के इस भ्रम में ना पड़े, सीए जो है वो सबके हित में है। जो जितेंद्र, बिल्कुल, अगर बात की जाए तो उनका सीधे तौर पर जो भाजपा के जो तमाम नेता है, चाहे वो प्रदेश के नेता हों या शीर्ष नेतृत्व की बात की जाए, उनका स्पष्ट तौर से सीए को लेकर के स्टैंड है और इसी को लेकर के ये एक्ट के रूप में बना है। और अब जिस प्रकार से चाहे वो जेएनयू में हम छात्रों की बात करें या फिर और दूसरे ऐसे उपद्रवियों की बात करें जिनकी तरफ से गुंडाई सीए को लेकर के की जा रही है, इन तमाम चीजों के खिलाफ अब सत्ता पक्ष कमजोर तरीके से जनता के बीच में खड़ा होने का काम कर रहा है जी। अगर इसके अलावा बात करें तो महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी कार्यक्रम हो रहा है, वहां भी पहुंचने वाले हैं सीएम? देखिए, अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री की तरफ से सबसे पहले, क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला की बात हो, क्योंकि वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे, और सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो सीएए एक ऐसा मुद्दा जिस प्रकार से बना हुआ है और जिसको लेकर के किसी भी प्रकार का भ्रम ना बने, और हरियाणा प्रदेश का धन्यवाद मुख्यमंत्री पहले भी कर चुके हैं इस बात को लेकर के कि हरियाणा में इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो किसी भ्रम में आकर के नहीं फैली है, और अब लोगों के बीच में जाकर के ये बात निरंतर बनी रहे कि सीएए से देश में रहने वाले नागरिकों को कोई असर नहीं पड़ने वाला है, इन तमाम चीजों का जो जागरूकता अभियान है वो देखने के लिए मिल रहा है जी। बिल्कुल, सीए से जनता को ही फायदा है, इससे कोई भ्रम ना फैलना चाहिए और इस बहकाव में ना आए, यही उद्देश्य है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल आज गुरुग्राम के पंचकुला के दौरे पर रहने वाले हैं और 10:30 पर पंचकुला पहुंचेंगे।